लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी, अगले 3 दिन में उत्तर भारत को भिगोएगी प्री मानसून की बारिश। नई दिल्ली, लगभग हर बार की तरह उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मानसून में फिर से देरी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक 12 दिन पहले ही उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून को दस्तक दे देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से 12 दिन की देरी के बाद मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में बिहार और झारखंड में जोरदार बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा मौसम विभाग ने उत्तरी पश्चिमी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा में मानसून अगले 3 दिनों में दस्तक दे सकता है। कहा जा रहा है कि 27 जून से इन राज्यों में प्री मानसून की बारिश हो सकती है, तब जाकर कहीं लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। 2 दिनों में देश के इन हिस्सों में होगी तेज बारिश। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को मानसून ने फिर से जोर पकड़ लिया है। यह अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात के कई हिस्सों में सक्रिय हो गया है और अगले 2 दिनों के भीतर यह छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों, सौराष्ट्र, झारखंड, बिहार तथा मध्य प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा। आपको बता दें कि इन सभी राज्यों में मानसून पहले ही 10 दिन लेट हो चुका है, लेकिन विभाग का कहना है कि कृषि के हिसाब से यह देरी बहुत ज्यादा नहीं है। अगले कुछ दिनों में हालात सुधर जाएंगे। 27 जून से प्री मानसून में भीगेगा उत्तर भारत। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी मानसून के आने में देरी हो चुकी है, लेकिन विभाग ने 27 जून से समूचे उत्तर पश्चिम भारत में प्री मानसून बारिश की संभावना जताई है। प्री मानसून बारिश के तुरंत बाद मानसूनी बारिश होने का रुझान रहा है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि महीने के अंत में मानसून उत्तर भारत में भी छा जाएगा। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में पूर्वोत्तर में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। पूर्वोत्तर में मानसून पहले ही सक्रिय हो चुका है, अभी तक उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई है बारिश। वहीं जिन इलाकों में अभी तक मानसून पहुंच चुका है, वहां पर अनुमान के मुताबिक बारिश नहीं हुई है। देश में हालांकि इस बार सामान्य मानसून की बात कही गई है, लेकिन पहले 23 दिनों के आंकड़ों को देखें तो बारिश में 10% की कमी है। अब तक 110 मिमी बारिश होनी चाहिए, लेकिन 99.5 मिमी बारिश ही दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिम भारत में 24, पूर्वोत्तर में 29 और मध्य भारत में 9% कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि दक्षिणी हिस्से में सामान्य से 29% ज्यादा बारिश हुई है।